जिस तरह से हमने देखा है लोगों को किताबें पढ़ने का बहुत शौक होता है, उसी तरह से लोगों को शेरों और शायरियों भी बहुत पसंद होती हैं। हमने अक्सर देखा है कि हिंदी और उर्दू साहित्य में बड़े-बड़े कवियों और शायरों ने दुनिया, दोस्ती, प्रेम, बेवफाई आदि पर बहुत बेहतरीन कविताएं और शायरियां लिखी हैं। और अभिनेताओं को तो अपनी हिंदी सुधारने के लिए शायरी, कहानियां, उपन्यास जरूर पढ़ने चाहिए, ताकि आपका भाषा पर नियंत्रण हो सके, आपको शब्दों का ज्ञान हो और आप शब्दों को सही अर्थ के साथ बोल सके। सुनेंगे अच्छा तो लिखेंगे अच्छा, और लिखेंगे अच्छा तो पढ़ेंगे अच्छा। एक अभिनेता के लिए किताबें, उपन्यास, कहानियाँ पढ़ना बहुत ज़रूरी है अगर आप अभिनेता बनना चाहते हैं। और यहाँ पर मैं आपको 10 बड़े शायरों की शायरी हैं, भाषा पर पकड़ आपकी अच्छी होगी। जैसे, इश्क पर जोर नहीं ये वो आतिश गालिब की, लगाए ना लगे और बुझाए ना बने, मिर्जा गालिब। और भी दुख हैं जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा, फैज अहमद फैज। अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले, अहमद फराज। तुझे पाने की कोशिश में कुछ इतना खो चुका हूं मैं, कि तू मिल भी अगर जाए तो अब मिलने का गम होगा, वसीम बरेलवी। आज मुझको बहुत बुरा कहकर आपने नाम तो लिया मेरा, जॉन एलिया। मैं खुद भी एहतियातन इस गली से कम गुजरता हूँ, कोई मायूस क्यों मेरे लिए बदनाम हो जाए, बशीर बद। फिर वही लौट के जाना होगा, यार ने कैसी रिहाई दी है, गुलजार। कभी जो ख्वाब था वो पाल लिया, मगर जो खो गई वो चीज क्या थी, जावेद अख्तर। शहर में सबको कहाँ मिलती है रोने की जगह, अपनी इज्जत दिया हंसने हंसाने से रही, निदा फाजली।